बिहार पिछड़ा राज्य है, इसको उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन चतुराई के साथ रोजगार के अवसर नौजवानों को चाहिए, इसके लिए विशेष दर्जा पर चुप्पी उन्होंने साध ली। विशेष पैकेज बिहार की मांग नहीं, तो हमारी उम्मीद है कि जो नई सरकार का गठन होना जा रहा है, जिनको उन्माद चढ़ा हुआ है, विकास की भूख का प्रकटीकरण किया है, तो हमको लगता है कि बिहार में 60 महीने के अंदर में एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए केंद्र सरकार को। पिछड़ा राज्य बिहार है, मानव विकास सूचकांक में बदतर स्थिति है, तो निश्चित रूप से रोजगार अविलंब दे दें बिहार के लोगों को, ये बिहार के लोगों की उम्मीद है। हमारी अपेक्षाएं होंगी कि बिहार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उचित प्रतिनिधित्व मिले, और जो एक बहुत ही पॉपुलर डिमांड रहा है बिहार का, जिसको लेकर बीजेपी के स्थानीय नेता लोग लगातार वादा भी करते रहे कि हम मोदी जी आएंगे तो बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, तो ये मौका है उनके पास कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो देते हैं तो लगे है कि हाँ, जो भाजपा ने वादा किया उसे उसने पूरा किया। फिर उत्तर बिहार में जो बाढ़ को लेकर एक परमानेंट समस्या है, अगर उसके अस्थायी समाधान को लेकर कोई पहल की जाती है तो यह भी स्वागत योग्य होगा। बिहार के लोगों को, देश के लोगों को नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी बिहार हों या देश, सभी की आकांक्षाओं के अनुरूप उतरेंगे, ये भरोसा है। केंद्र सरकार के यहाँ हमारी योजनाएं लंबित हैं, जैसे राष्ट्रीय उच्च पथ का रखरखाव का मामला हो या फिर पुलिस आधुनिकीकरण की बात हो, इन सब मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब मुद्दों को उठाया। सब के अलावा जैसा कि हमने बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग जोर से उठाई गई।